बिहार के बाद यूपी में भी लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। हाल ही मोदी सरकार की ओर से जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलें लगी थी। और अब जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। जयंत चौधरी ने विधायकों की नाराजगी पर कहा कि हमने हमारे सभी विधायकों से बातचीत कर ली है, हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने भाव, हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के का ही नहीं, हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान है। पश्चिमी यूपी को जाट, किसान और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, वर्ष 2014 के लोकसभा में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।